डोंट गो फॉर द वैकेशन इन द कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स, ठीक है। चलिए एक जस्ट सेकंड, चलिए हो गया। अभी हम बात करते हैं, कहता है द कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेटिकल नेम पर्सन डोंट गो फॉर द वैकेशन इन द कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स, ठीक है। चलिए इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब आपका उसने दिया है मंथ का नाम, उसने दिया है क्या नहीं दिया, ठीक है। आगे कहता है वी गोज फॉर द वैकेशन इन द मंथ व्हिच हैज एन इवन नंबर ऑफ डेज, ठीक है। उसने कहीं पर यह नहीं कहा है कि कौन कौन से 12 पर्सन है, मतलब एक ही ईयर के तो पूरे 12 महीने रहेंगे, समझिएगा इस बात को। 12 पर्सन है गोइंग फॉर द वेकेशन इन डिफरेंट मंथ ऑफ द सेम ईयर है विच इज नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया पूरे 12 हमको नाम कंटिन्यू लिखना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, कहता है वी गोज फॉर द वैकेशन इन द मंथ विच हैज एन इवन नंबर ऑफ डेज, ठीक है। अब इवन नंबर ऑफ डेज किसमें है भाई, एक तो फरवरी है 28 होगा, क्योंकि उसने कहा था लीप ईयर नहीं है, साफ साफ बोला था विच इज नॉट अ लीप ईयर, क्लियर। फेब हो गया, देन अप्रैल हो गया, है ना, यहाँ से जून हो गया, फिर इसके बाद अपना सेप्टेम्बर हो गया और ये नवम्बर हो गया, टोटल 4 महीने होते हैं, फरवरी को मिलाकर के 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो भी के कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी ध्यान से सुनिएगा, वी की 5 पॉसिबिलिटी बनेंगी, हम 5 के 5 बना देते हैं। तो एक ये हो गया, ठीक है। अगला क्या है, दूसरा हो जाएगा ये भी, तीसरा ये भी, चौथा ये भी, और पांचवा ये भी हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, चलिए हो गया। अभी हम बात करते हैं आगे, कहता है ओनली 5 पर्सन गो फॉर द वैकेशन बिटवीन एल एंड वी, देखो 1, 2, 3, 4, 5 ये हो जाएगा एल, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 दिस विल बी एल, इसमें देखो जरा 1, 2, 3, 4, 5 जगह नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5 जगह नहीं, ये है एल, इधर देखे जरा 1, 2, 3, 4, 5 ये हो जाएगा एल, इधर देखो 1, 2, 3, 4, 5 ये हो जाएगा एल, क्लियर है। एल और वी के बीच कितने हैं, 5 पर्सन, यही बोला था उसने, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा, यू गोज 2 मंथ्स बिफोर एल, 2 मंथ्स बोला है ना, बीच में एक ही महीना होगा, हालांकि लगातार है तभी कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जब मंथ छोड़ छोड़ कर बोलता तो इस बात को ध्यान में रखा जाता, ठीक है। 2 मंथ्स बिफोर मीन्स बीच में एक ही महीने है, U goes 2 months before L है, तो यहाँ पर हो जाएगा L, sorry U, है ना, यहाँ पर हो जाएगा U, यहाँ पर हो जाएगा U, यहाँ पर हो जाएगा U, और यहाँ पर हो जाएगा U, क्लियर है। चलिए सभी लोग ध्यान से देखिएगा, आगे बात करते हैं, एज मैनी पर्सन गो आफ्टर एस इज सेम एज बिफोर द वन हु गोज फॉर द वैकेशन 3 मंथ्स आफ्टर यू, क्या बोलता है, एज मैनी पर्सन गो आफ्टर एस, एस के बाद उतने ही लोग हैं, है ना, इज सेम एज एज बिफोर द वन हु गोज फॉर द वैकेशन 3 मंथ्स आफ्टर यू, यू के 3 महीने बाद जो जा रहा है और एस के बाद जो है सेम ही है, समझे जरा, एज मैनी पर्सन गो आफ्टर एस इज सेम एज, है ना, एज बिफोर द वन हू गोज फॉर द वैकेशन 3 मंथ्स आफ्टर यू, यू के जो बाद है जस्ट, है ना, 3 मंथ्स बाद जो है
उसके पहले समझिए इस बात को, सबसे पहले इसकी मीनिंग समझना होगा आपको। उसने कहा एज मैनी पर्सन गो आफ्टर एस, एस आफ्टर कलर चेंज करते हैं, ब्लैक लेते हैं, एस आफ्टर उतने ही लोग हैं जितने की बिफोर, है ना, द वन हु गोज फॉर द वेकेशन 3 months आफ्टर यू, ठीक है, मतलब 3 months आफ्टर यू के जो पहले है, ठीक है, 3 months आफ्टर यू, इसके बिफोर, इसके बिफोर, यहां पर सेम है, समझ में आ रही बात, हाँ, इसके पहले 3 months आफ्टर यू, यू के 3 महीने बाद जो भी रहेगा उसके बिफोर और इसके आफ्टर सेम नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। आगे कहता है देयर इज अ गैप ऑफ 7 months बिटवीन द वेकेशन मंथ ऑफ टी एंड क्यू, टी एंड क्यू के भी 7 month का गैप है, 7 months रहेंगे टी एंड क्यू के बीच, समझ में आ रही बात। Who goes in the month having an odd number of days? Who मतलब कौन? क्यों? क्यों कहाँ है? Odd number में जा रहा, मतलब 31 days में जा रहा, clear है? चलिए अब बात करते हैं, इस चीज को arrange करने की कोशिश करते हैं। S के बाद जो है और 3 months after U के पहले same है, तो देखो जरा यहाँ पर ध्यान से, U के 3 महीने बाद कौन है? तो U के बाद देखो 1, 2, 3 3 महीने का September है, इसके पहले जितने हैं उतने ही इसके बाद है, तो इसके पहले देखो जरा कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसके पहले 8 हैं, तो इसके बाद भी 8 ही चाहिए, 8 हैं तो देखो 12 महीने, 4 छोड़ दीजिए, देखो जरा ये 4 छोड़िए तो 12 महीने हो जाएंगे, तो इसके बाद भी 8 ही होंगे, क्लियर है, तो यस आएगा यहाँ, ठीक है। इस वाले में अगर हम बात करें तो देखो जरा यू के पहले अगर हम अगस्त को छोड़ दें तो ये 7 महीने हैं, यूके, अच्छा यूके 3 महीने बाद पहले ध्यान दे, तो 1, 2, 3 नवंबर है, ठीक है, यूके 3 महीने बाद ये चीज है, और इसके पहले जितने भी हैं, तो इसके पहले कितने हैं, 2 महीने छोड़ दो तो 10 महीने हैं, अगर 10 महीने हैं तो ये एस के बाद भी 10 ही महीने चाहिए, तो एस के बाद अगर 10 महीने चाहिए तो यहाँ पर एस रखिए, एस के बाद 10 महीने हो जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर देखो यूके बाद 3 महीने, तो यूके बाद 3 महीने कोई है, 1, 2, 3 है ही नहीं, ये हो जाएगा कल, ठीक, यहाँ पर देखिए यू के 3 महीने बाद, तो 1, 2, 3 यहाँ हो गया, तो इसके बाद कितने हैं, अप्रैल चौथा मंथ होता है, इसके बाद 8 महीने हैं, इसके बाद अगर यू के 3 महीने बाद, ठीक है, समझना ध्यान से, यू के 3 महीने बाद और इसके पहले जाना है, ठीक है, इसके पहले कितने हैं, 3 महीने हैं, तो इसके बाद भी 3 ही महीने होना चाहिए, तो इसके बाद 3 महीने, 1, 2, 3 एस यहाँ आएगा, तो ये भी बाहर क्योंकि यहाँ जगह खाली नहीं, क्लियर। यू के 3 महीने बाद 1, 2, 3 इसके पहले कितने हैं, 5 महीने, क्योंकि जून है, इसके पहले 5 महीने हैं, तो एस के बाद भी 5 ही चाहिए, तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ आ जाएगा एस। इस तरीके से टोटल 3 पॉसिबिलिटी बची हैं, 2 बाहर हो गए, क्लियर है। चलिए अब कहता है टी और क्यू के बीच 7 महीनों का गैप है, क्यू जिसमें से 31 में है, अगर मैं क्यू इसको ही लेता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, तो एक है ना 7 महीने, ध्यान देना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर आएगा टी, ठीक है, हो सकता है, कोई बुरी बात नहीं है, तो ऐसे बहुत सारी भी पॉसिबिलिटी बनेगी, तो मैं क्या कहता हूँ जरा सा रुक जाते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जरा सा रुकते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी क्या बोल रहा है, The number of person going for the vacation between P and K is thrice the number of person going for the vacation between Q and U. P and K के भी जितने भी लोग हैं, P and K के भी जितने भी लोग हैं, वह thrice of Q and U हैं। Person की बात हो रही है, ध्यान देना, ठीक है, तो अभी Q तो हमने रखा ही नहीं है, ठीक है, अभी देखते हैं आगे। K doesn't go for the vacation in any of the month after P. P के बाद नहीं है तो P के पहले होगा, K जो है वो P के पहले होगा, K P के पहले होगा, क्लियर है। आगे the person name start with vowel go for the vacation in the adjacent month. Vowel वाले लोग जो कहाँ जाएंगे, vowel वाले लोग adjacent month में जाएंगे, यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि जो vowel वाले लोग हैं वो एडजेसेंट मंथ में जाएंगे, ठीक है। ओनली 2 पर्सन गो बिटवीन एन एंड ओ, एन और ओ के बीच केवल 2 ही लोग हैं, तो 2 पर्सन एन और ओ के बीच, क्लियर है। चलिए अब सबसे पहले इसमें वॉवेल वाले कितने लोग हैं, तो आपको पता है एक तो ओ हो गया है,
दूसरा यू हो गया है, ठीक है। तो ओ और यू दो ही लोग हैं वॉवेल में अगर हम बात करें तो, ठीक है। ओ और यू, ओ और यू अब कॉन्जिक्यूटिव होंगे तो ऊपर भी तरफ सकता, नीचे कहीं भी हो सकता है, ठीक है। वो कहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं इसको ओ लेता हूं तो दो छोड़कर एन रखना है, एक दो एन नहीं रहेगा, एक दो एन ऊपर जा सकता है, ठीक है। इसको ओ लेता हूं तो एक दो एन नहीं जाएगा, नीचे चला जाएगा एन, मतलब पॉसिबिलिटी तो है, अभी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि टी और क्यू के बीच में 31 है और पी एन के भी जितने हो क्यू एन यू के थ्राइस है। अब इस चीज को समझना है, अगर मान लीजिए मैं क्यू इसको लेता हूं क्योंकि क्यू को 31 में रखना है, तो टी एन क्यू के भी 7 मंथ थे, तो देखो 1 2 है ना, समझिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 यहां पर आएगा अपना टी आएगा। अगर यहां पर टी आएगा तो मुझे ओ और यू को साथ में रखना है, समझना ध्यान से, ठीक है। अगर मैं ओ को यहां रखता हूं, ओ को मैं यहां रखता हूं, तो 1 2 3 एन रखने की जगह नहीं है, 1 2 3 एन रखने की जगह नहीं। अगर मैं इसको ओ लेता हूं तो 1 2 3 एन रखने की यहां जगह है, ठीक है, और 1 2 3 एन रखने की यहां भी जगह है। तो इस वाले फिर ओ, ये तो ओ बाहर हो जाएगा, ये ओ अपना बाहर हो जाएगा, नीचे का ही ओ रहेगा, ठीक है। अच्छा, जब ये हो गया है तो अब इसको समझना है कि टी एन क्यू के बीच 7 महीने हो गए हैं और पी एन के बीच उतने ही लोग हैं जितने क्यू एन यू के बीच के 28। तो अब आपका क्यू है और यू है, क्यू एन यू के बीच कितने, 1 2 3 4, 4 का 28 है ना, 12। तो 12 तो पॉसिबल ही नहीं, बीच में 12 कैसे रखोगे आप, 12 तो टोटल ही है, मतलब ये क्यू पॉसिबल नहीं है। अगर ये क्यू पॉसिबल नहीं है, ये अभी ओ की बात ही नहीं करते हैं, ये टी पॉसिबल भी नहीं है, क्लियर। अब हम आगे आते हैं, ध्यान से सुनना, तो कहां हो सकता है क्यू, क्यू हो सकता है यहां। तो क्यू एंड यू के बीच में कितने हैं, 2, और 2 का डबल 4 हो जाएगा, ठीक है। तो नहीं सॉरी, 2 का 3 गुना ना, क्यू एंड यू का 3 गुना, देखा जरा यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इसको, क्यू एंड यू के बीच कितने हैं, 2 लोग, तो 2 का 3 गुना 6, पी एंड के बीच 6 चाहिए। अब पी एंड के बीच 6 हो सकता है, पॉसिबल है, पी एंड के बीच 6 जिसमें से के ऊपर ही रहेगा। तो अगर मैं के को यहां रखता हूं तो देखो जरा 1 2 3 4 5 6 यहां पर 3 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर मैं के को यहां रखता हूं तो 1 2 3 4 5 6 यहां पर आएगा पी, पी एंड के भी 6 हो जाएंगे, परफेक्ट है। और टी एंड क्यू के भी 7 महीने थे, तो देखो जरा 1 2 3 4 5 6 7 यहां पर आ जाएगा अपना कौन, टी, ठीक है। देखो जरा 1 2 3 4 5 6 7 टी एंड क्यू के 7 हो गए, परफेक्ट है, अभी तक कोई गड़बड़ी नहीं है। अब अपने को एन और ओ रखना था, तो ओ आएगा यू के पड़ोस में, तो एन और ओ के बीच 2 थे, 2 छोड़ करके यहां पर आ जाएगा एन, ठीक है, ऊपर तो जगह ही नहीं है। अब अगली लाइन क्या थी, वॉवेल एडजेसेंट हो चुका है ऑलरेडी, सब कुछ हो चुका है। अब इसमें यही है कि कॉन्जिकेटिव अल्फाबेटिकली नेम पर्सन साथ में नहीं है, तो देखो जरा कॉन्जिकेटिव है कहीं, क्या नहीं है, कहीं पर भी कॉन्जिकेटिव नहीं है। अब अपने को रखना बचा क्या है, देखो जरा 2 जगह बची है और 2 नाम बचे होंगे, पढ़ते हैं जरा कौन बच गया है, के हो गया, क्या हो गया, एल हो गया, हो गया, एम हो गया, नहीं एम यहाँ नहीं आ सकता है क्योंकि एम एन कॉन्जिकेटिव होंगे, तो एम को यहाँ रखेंगे, ठीक है। एन हो चुका है, ओ हो गया है, पी हो गया है, क्यू हो गया है, आर, आर बचा है, आर बचा है, तो आर हो जाएगा यहाँ, और आर कॉन्जिकेटिव भी नहीं है। इस तरीके से पहली वाली पॉसिबिलिटी हमारी सही हो गई, अगर ये गलत होती तो दूसरी पे आते, दूसरी गलत होती तो तीसरी पे आते, कोई ना कोई सही जरूर होती। और ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है क्योंकि ये मेंस लेवल है, तो यहाँ पर आपको पेशेंस की जरूरत है, मेंस लेवल है तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, पेशेंस की जरूरत है। यदि आपके पास पेशेंस नहीं है तो आपको तकलीफ होगी, ठीक है, ध्यान दीजिए इस बात को बेटा। हाँ ठीक है, टाइम टेकन होता थोड़ा सा, मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा ज्यादा भी समय लगता है क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे होते हैं। देखो आप 5-5 पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है, सॉल्व कीजिए, कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। आप मेरा ही देखिए जरा, सबसे पहले क्या है एम बी क्यू एस के यू, एम बी क्यू एस के यू, ओ एल आर एन टी पी, ओ एल आर एन टी पी, परफेक्ट है। देखिए बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन गोज फॉर द वेकेशन इन सितंबर, सितंबर में कौन जा रहा, आर, डायरेक्टली आर नहीं दिया है, तो द वन हु गोज इमीडिएटली आफ्टर यस नहीं है ऐसा, द वन हु गोज टू मंथ्स बिफोर टी, टी से दो महीने पहले, वन टू परफेक्ट है, तो यही वाला सही है ना, सॉरी ये वाला ठीक है, टू मंथ्स बिफोर टी, ठीक है। अगला है आपका, एज मैनी पर्सन गो फॉर द वेकेशन आफ्टर ओ इज सेम एज बिफोर, तो ओ के बाद कितने हैं? देखो जरा, वन टू थ्री फोर फाइव, ओ के बाद फाइव हैं, तो आपको देखना है किसके पहले फाइव है, तो वन टू थ्री फोर फाइव, यू, यू डायरेक्टली नहीं है, तो जो जून में जा रहा है द वन हु गोज इन जून, क्लियर। नेक्स्ट, इफ ऑल द पर्संस गो फॉर द वेकेशन इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम जैन, ठीक है, देन हाउ मेनी पर्सन गो फॉर द वेकेशन इन द सेम मंथ, क्लियर है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहां से शुरू हुआ था आपका, कहां से शुरू हुआ था, के से शुरू हुआ था, क्लियर है। चलिए, तो के से अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो आपको पता है के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, आप देखिए सबके सब चेंज हो गए, दिख रहा है क्या, ये भी चेंज है, ये भी चेंज, ये भी, 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 क्लियर है। इसका मतलब क्या है, नन, इसका आंसर क्या होगा, नन, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड हेंस दे फॉर्म अ ग्रुप, फाइंड द वन दैट डजंट बिलोंग टू दैट ग्रुप, मींस ऑड वन आउट, क्लियर है। एलपी देखें जरा, L और P, L अगस्त में है और P दिसंबर में है, दोनों जो ही क्या है, एक तो 3 दिन का डिफरेंस है, 3 मंथ्स का डिफरेंस है, दूसरा 31 है, UN, U और N, फिर से यहाँ पर 3 मंथ्स का डिफरेंस है ना, और दोनों ही क्या है, नहीं दोनों नहीं, यहाँ पर क्या है, 3 मंथ्स का डिफरेंस है, पर यहाँ पर जून दिया पहला। अगला है के आर, के एल आर, ये R है, ये K है, 3 मंथ्स का डिफरेंस है, QO, Q यहाँ पर है, O यहाँ पर है, फिर से 3 मंथ्स का है, MS, M यहाँ पर है, S यहाँ पर, इसमें 2 ही महीने का है, इसका मतलब MS ही अपना आंसर है, ठीक है। बाकी सभी में 3 मंथ्स का डिफरेंस है, MS में 2 का है। अगला है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स बताना, ठीक है। N goes in the month of October, N October में, ये तो सही है, ओनली 5% go between M and O, M and O के बीच 5 है, O यहाँ पर, M कहाँ, ये है, 5 है क्या, 1 2 3 4 5, ये भी सही है, हमें फॉल्स बताना है। O goes immediately before U, O जो है U के तुरंत पहले है, नहीं ये तो तुरंत बाद है, ये भी, ये गलत है, ठीक है। O goes immediately before U बोल रहा है, जबकि immediately after है, ठीक है। अगला है, T goes in one of the month before R, T R के पहले है किसी भी महीने में, तो टी आर के पहले नहीं, टी आर के बाद है, तो ये भी गलत है, तो तीसरा और चौथा गलत है, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 to 10, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन,
चलिए आइए सॉल्व करते हैं। कहता है 10 टैक्सी ओनर्स एम टू वी आर पेइंग देयर रोड टैक्स ऑन डिफरेंट मंथ्स, मंथ्स नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑल द इंफॉर्मेशन ये लाइन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइए तो सबसे पहला काम है मंथ के नाम लिखते हैं, 10 थे तो जैन है, फिर मार्च है, फिर अप्रैल में जून है, अप्रैल मई जून, फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर है, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। आगे क्या कहता है, एम पेड इन द मंथ आफ्टर जून, एम कब है, जून के बाद है, ठीक है। तो जून के बाद तो बहुत सारे ऑप्शन है, कहां पर रखेंगे, ऐसा तो नहीं रख सकते ना, तो यहां पे लिखते हैं एम आफ्टर जून, ठीक है। नेक्स्ट, यू पे पेड 3 months बिफोर एम, यू कहां है, एम से 3 months बिफोर है, एम से 3 months बिफोर 1, 2 और ये 3 हो गया, 3 months बिफोर में बीच में 2 ही रहेगा, यहाँ पे लिखते हैं मंथ्स, मतलब मंथ्स को ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे क्या है, यू पेज नाइदर इन जून नॉर इन अगस्त, यू जून और अगस्त में नहीं है, तो यहाँ पर लिख देते हैं जून में यू नहीं है, अगस्त में भी यू नहीं है, क्लियर है। चलिए आगे, ओनली 2 persons आर पेइंग बिटवीन यू एंड ओ, यू एंड ए के बीच 2 ही person है, यहाँ लिखे 2P, यू एंड ओ के बीच 2 persons है। आगे ध्यान दीजिएगा, चलिए आगे बात करते हैं। वी पेड 2 months आफ्टर द वन हू पेड 3 persons बिफोर एम, वी पेड 2 months आफ्टर, वी जो है 2 महीने बाद है, किसके, द वन हू पेड 3 persons बिफोर एम, एम से 3 persons बिफोर है, एम से 3 persons बिफोर, 1, 2, 3 ये वाली जगह जो है, एम से 3 persons बिफोर जो है, 3 persons बिफोर एम जो है, वी पेड 2 months आफ्टर द वन हू पेड 3 months है ना, इसके इसके 2 months बाद है ना, 2 months आफ्टर है ना, 2 months बाद है कौन भी, और भी बाद में है तो यहाँ पे एरो बना देता हूं, ध्यान दीजिएगा, भी तो 2 महीने बाद, मतलब बीच में 1 ही महीना होगा ना, ध्यान रखना, टू में ना भी पे 2 months आफ्टर है ना, तो 2 महीने बाद, मतलब बीच में 1 ही महीने है, बीच में 1 ही महीने होगा और भी बाद में है, तो बाद के लिए उधर का एरो, पहले के लिए पहले का एरो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस चीज को समझना है। और यहाँ पर एक पर्सन है, ये वाली चीज पर्सन है, ठीक है, चलिए इसको समझ के लेना है आप चीजों को, हाँ ठीक। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे क्या कहता है, आगे कहता है द नंबर ऑफ पर्सन पेड बिटवीन ओ एंड वी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन पेड बिटवीन यू एंड एन, ओ एंड वी के बीच और यू एंड एन के बीच सेम है, ओ एंड वी, ठीक है, ओ एंड वी और यू एंड एन के बीच सेम पर्सन है ना, पर्सन सेम नंबर ऑफ पर्सन है, ठीक है, ठीक। देयर इज अ गैप ऑफ 1 month बिटवीन एन एंड पी, एन और पी के बीच 1 month का गैप है, यहाँ पे लिखते हैं एन और पी के बीच 1 month का गैप है, ठीक है। क्यू पेड इमीडिएटली बिफोर द मंथ ऑफ एस, है ना, एस के तुरंत पहले क्यू है, इमीडिएटली एस डज नॉट पे इन द मंथ हैविंग एन ऑड नंबर ऑफ डेज, ऑड में नहीं तो इवन में होगा, तो एस जो है इवन में तो फरवरी तो है ही नहीं, मतलब 30 days में होगा, एस 30 days में है, ठीक है। आगे क्या कहता है,
द नंबर ऑफ पर्सन पेड बिटवीन क्यू एंड एम इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन पेड बिटवीन पी एंड टी. क्यू एंड एम के बीच जो पर्सन है वो वन मोर देन है किससे, पी एंड टी से. तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लस वन. क्यू एंड एम के बीच एक ज्यादा है, ठीक है, किससे, पी एंड टी से. यहाँ पे लिख देना पर्सन, ठीक. आर डज नॉट पे आफ्टर पी, आर पी के बाद नहीं तो आर क्या होगा, पी के पहले. क्लियर. इस तरीके से आपका पूरी इंफॉर्मेशन हो गई शॉर्ट एंड स्वीट में. अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो देखिए जरा, एम आफ्टर जून है. अब जून के बाद अगर एम को मैं कहीं पर भी रखता हूं, ठीक है, एम के ऐसा कुछ तो बोला नहीं कि किस महीने में है, ठीक है, उसने कहा था एम पेड इन द मंथ आफ्टर जून. तो यहां पर हम अगर बात करते हैं कि जून के बाद अगर हम मान लेते हैं एम को यहां लेते हैं, ठीक है, तो एम को अगर हम यहां लेते हैं तो दो छोड़ करके यू रखेंगे. यहाँ पे मंथ से ध्यान देना, तो अगस्त के पहले क्या होता है, जुलाई, ठीक है, जुलाई के पहले जून, और जून के पहले होता है क्या, मई. तो यहां पर आ जाएगा क्या, यू. ध्यान देना, मई के बाद जून जुलाई अगस्त, दो महीने का गैप चाहिए. देखो जरा, दो महीने का गैप है, यहाँ मंथ से लिखा हुआ है, बात समझ में आ रही है. तो मई के बाद जून जुलाई दो महीने का गैप है, अगस्त में एम है, ठीक है, और क्योंकि एम को आफ्टर जून रखना था, ठीक है. और यू एंड ओ अगर हम बात करें तो एम से यहाँ पर देखो, दो छोड़ करके जो भी पर्सन है, तो एम दो छोड़ करके जो भी पर्सन है, मतलब इस पर्सन की बात हो रही है, समझ में आ रही बात. इसके वन मंथ बाद भी है, तो इसके वन मंथ अप्रैल बाद मई छोड़ करके जून यहाँ पर आएगा भी. क्लियर है क्या, यहाँ पर कौन आएगा, भी, ठीक. अब यहाँ पर आएगा भी, और यू एंड ओ के बीच दो पर्सन है, तो ओ, ठीक है, भी बाद में रहेगा, भी जो बाद में रहेगा उस पर्सन के, तो भी बाद में है, ठीक है. यू एंड ओ के बीच दो पर्सन है, तो दो छोड़ करके ऊपर भी जा सकता, नीचे भी जा सकता, ठीक है. कहता ओ एंड बी एंड यू एंड एन के बीच सेम नंबर ऑफ पर्सन है, तो आइए एक एक करके करते हैं, ठीक है. अगर ये यू है, ये भी है, ये एम है, समझिएगा इस बात को. तो यू एंड ओ के बीच दो पर्सन है, एक दो यहाँ पर ओ हो सकता है, एक दो यहाँ पर ओ हो सकता है, ठीक है. इसमें कहीं ऐसा तो बोला नहीं कि कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट का नेम पर्सन आर नॉट सिटिंग, ऐसा तो कुछ बोला नहीं, ठीक है. तो क्या था, ओ एंड भी के बीच जितने हैं उतने यू एंड एन है. तो देखो जरा, ओ एंड भी के बीच वन टू थ्री, थ्री पर्सन है, तो यू एंड एन के बीच थ्री चाहिए, वन टू थ्री, यहाँ पर आ जाएगा एन हो जाएगा. यहाँ पर देखो जरा, ओ एंड भी के बीच कितना, एक ही है, तो यू एंड एन के बीच एक ही चाहिए, तो एन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा. अब एन और पी के बीच वन मंथ है, एन और पी के बीच अक्टूबर बाद नवंबर छोड़कर यहाँ जाएगा, आ जाएगा अक्टूबर बाद नवंबर छोड़कर दिसंबर, तो पी आएगा यहाँ, ठीक. इस वाले में बात करें अगर हम, ध्यान से सुनिएगा, तो एन और पी के बीच वन मंथ है, तो मार्च के बीच में फरवरी छोड़कर के यहाँ आ जाएगा क्या, पी. लेकिन पी के ऊपर आर रखना तो पॉसिबल नहीं है. मार्च के बाद अप्रैल छोड़कर के मई यहाँ पॉसिबल नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं, यही सही है, ठीक है. अगर यही सही है तो पी के ऊपर आर रखना है, रख देंगे. अगला था एस के तुरंत ऊपर क्यू रखना, और एस 30 पर है, तो देखो एस 30 पर है, यहाँ देखो एस आ जाएगा यहाँ पर 30 पर, और उसके तुरंत ऊपर हो जाएगा क्यू, हो जाएगा परफेक्ट है अभी तो, हो गया. और अब पी के ऊपर आर रखना, लेकिन एक और चीज थी क्या, क्यू एंड एम के बीच एक ज्यादा है पी एंड टी से. तो देखो जरा, क्यू एंड एम के बीच वन टू थ्री है, P and M के बीच थ्री पर्सन है, तो P and T के बीच दो ही होंगे, तो एक दो यहाँ पर आ जाएगा T आ जाएगा. तो P के पहले R को रखना, तो ये हो जाएगा R. और इस तरीके से पूरा का पूरा अरेंज हो गया. जब यही अरेंज हो गया तो आगे जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक एक करके किया जा सकता है. जब ऐसे लेंथी क्वेश्चन आएंगे, अच्छे क्वेश्चन आएंगे, तो एक एक करके ही किया जा सकता है, इस बात को आपको समझ कर लेना पड़ेगा, ठीक है ना. चलिए कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं.
चलिए देखिए जरा, फोर ऑफ दी फॉलोइंग, कई बार मैं आपको सिखा चुका हूँ बेटा कि जहां भी ऐसी वर्डिंग ले आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, ऑड वन आउट है, ठीक है, डिफरेंट पता करना है। आइए पता करते हैं, द वन हु पेट इमीडिएटली बिफोर क्यू, क्यू के तुरंत पहले ओ है, मतलब जनवरी है, 31 दिन का महीना। द वन हु पेट 2% बिफोर एन, एन से 2% पहले, एन से 2% पहले वन टू, कौन है, एम, अगस्त का महीना। द वन हु पेट इमीडिएटली आफ्टर ओ, ओ के तुरंत बाद कौन है, क्यू है, मार्च का महीना। द वन हु पेट 3 months आफ्टर वी, वी के 3 months बाद, तो जून है, जून के 3 महीने बाद का, तो जुलाई अगस्त और सितंबर, मतलब ये है, ये 30 days है, तो यही अपना आंसर है। क्लियर है, समझ में आया, 3 months बोला था, ध्यान देना, 3 person ने इस चीज को समझ कर लेना है, बाकी में पर्सन है लेकिन इसमें मंथ्स बोला है, तो वी के क्या बोलना अपने को, 3 months बाद, तो वी कहाँ है अपना, जून में है, तो जून के 3 महीने बाद क्या आता है, जुलाई अगस्त और सेप्टेम्बर, तो सेप्टेम्बर 30 days का होता है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन वाले 31 है, तो यही डिफरेंट है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, पहला है एस एन यू पेट इन कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स, तो देखा जरा, एस एन यू कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में है, अप्रैल में, बिल्कुल सही है। दूसरा, ओनली 3% पेट बिटवीन आर एंड क्यू, आर एंड क्यू के बीच 3 है, तो देखो ये क्यू है, ये आर है, क्या 3 है, नहीं ये गलत है, तो दूसरा गलत है, अपने को ट्रू बताना है। बीज पेड इन जून, बी क्या जून में है, देखो जरा बी जून में है क्या, हाँ सही है, ये भी सही है, पहला भी सही है, ये भी सही है। अगला, एन पेड इन मंथ हैविंग एन ऑड नंबर ऑफ डेज, तो एन कहाँ भाई, अक्टूबर में 31 days होते हैं, तो ये भी सही है, तो पहला तीसरा एंड चौथा सही है, ऑप्शन सी कहलाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन पेड इन अक्टूबर, अक्टूबर में कौन है भाई, अक्टूबर में एन है अपना, तो देखो पहला ऑप्शन है इमीडिएटली बिफोर एम वाला, इमीडिएटली बिफोर एम है क्या, एन नहीं, द वन हु पेड 2 months बिफोर पी, पी के 2 महीने पहले क्या, दिसंबर से, तो देखो अक्टूबर बाद नवंबर दिसंबर 2 महीने पहले ही होगा एन, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। क्लियर है, नेक्स्ट, इन विच अमंग द फॉलोइंग मंथ यू हैज पेड द टैक्स, यू किस दिन है, मई महीने में, तो आंसर जाएगा मई। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन पेड बिटवीन यू एंड आर, तो यू एंड आर के बीच कितने लोग हैं, 1, 2, 3, 4, यू एंड आर के बीच कितने हैं, 4, तो आंसर जाएगा डी ऑप्शन, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 to 15, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। कहता 8 persons हैं, ए टू एच आर बोर्न इन डिफरेंट मंथ्स, है ना, मंथ्स के नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है, दे आर बोर्न इन डिफरेंट सिटी, सिटी के नाम भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहता ऑल द इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। सबसे पहला कहानी है, मंथ्स को हम लिख देते हैं, तो ये हो गया हमारा जैन, देन मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, सेम ईयर बोला है, हो गए 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, परफेक्ट है। आइए सॉल्व करते हैं,
आगे बात करते हैं, कहता है एफ इज बोर्न इन थ्री पर्सन बिफोर द वन हु इज बोर्न इमिडिएटली आफ्टर द वन हु इज बोर्न इन दिल्ली। जरा अच्छी लाइन है, एफ इज बोर्न थ्री पर्सन बिफोर, एफ थ्री पर्सन बिफोर है किसके, द वन हु इज बोर्न इमिडिएटली आफ्टर द वन हु इज बोर्न इन दिल्ली, मतलब दिल्ली के इमिडिएट आफ्टर जो भी है उसके थ्री पर्सन बिफोर कौन है, एफ है। समझिए इस बात को, तो दिल्ली के तुरंत बाद जो भी है, इमिडिएटली आफ्टर, समझ में आ रही बात, इमिडिएटली आफ्टर जो भी उसके थ्री पर्सन बिफोर, तो वन टू थ्री, थ्री पर्सन बिफोर मतलब यही वाला, ठीक है, थ्री पर्सन बिफोर यहां पर कौन है अपना, एफ है, ये वाली जगह पे एफ है, ठीक है। आगे कहता है एफ इज बोर्न नाइदर इन अप्रैल नॉर इन जनवरी, एफ अप्रैल और जनवरी में नहीं है, तो यहां पर एफ नहीं है, यहां पर भी एफ नहीं है, क्लियर। ओनली थ्री पर्सन आर बोर्न बिटवीन एफ एंड द वन हु इज बोर्न इन चेन्नई, एफ और चेन्नई के बीच कितने थ्री पर्सन है, तो इसको हम अपन यूज कर लेते हैं यहां पर, एफ एंड चेन्नई के बीच थ्री पर्सन है, तो एफ थ्री पर्सन चेन्नई, ठीक है। कलर चेंज करेंगे, ब्लैक लेते हैं। आगे एच इज बोर्न थ्री मंथ्स आफ्टर ई, बोथ आर एल्डर देन द वन हु इज बोर्न इन दिल्ली, दिल्ली के पहले आएंगे तब, अगर दिल्ली के पहले आएंगे तभी तो एल्डर होंगे, तो एच इज बोर्न थ्री मंथ्स आफ्टर ई, एच जो है ई के थ्री मंथ्स आफ्टर, अगर थ्री मंथ्स आफ्टर है मतलब बीच में दो ही महीने हैं, तो बीच में टू मंथ्स होंगे और ये एच होगा, और एच आफ्टर, तो ऐसे एरो बना दिया, क्लियर है। ये मंथ से ध्यान देना, टू मंथ्स आफ्टर था, ठीक है, थ्री मंथ्स आफ्टर तो मतलब बीच में दो महीने होंगे ई और एच के बीच में, और ये ऐसे एरो बना दिया मतलब एच बाद में आएगा, ठीक है, समझ के रखिए इस चीज को, एच, ठीक है, एच इज बोर्न थ्री मंथ्स आफ्टर ई, बोथ आर एल्डर देन द वन हु इज बोर्न इन दिल्ली, दोनों ही एल्डर हैं, मतलब ई एंड एच है ना, एल्डर है मतलब ग्रेटर देन लिख देते हैं दिल्ली से, क्लियर। चलिए आगे कहता है एच इज नॉट बोर्न इन अ मंथ हैविंग एन ऑड नंबर ऑफ डेज, एच ऑड पर नहीं है तो इवन में होगा, है ना, मतलब एच होगा 30 डेज में, क्यों, क्योंकि फरवरी तो है ही नहीं, तो एच होगा 30 डेज में, ठीक है। अब समझ के लीजिए इस चीज को आप, है ना, अभी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि उसने कहा नहीं कौन कहां पर है। आगे बात करते हैं, कहता इज बोर्न इन नाइदर मार्च नॉर जून, ई जो है ना मार्च में है ना जून है, तो मार्च और जून में नहीं है ई, तो यहां पर लिख देते हैं ई यहां नहीं है, और जून में भी ई नहीं है, तो ई यहां भी नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं, द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर एच इज सेम एज आफ्टर सी, एच बिफोर सी आफ्टर सेम पर्सन है, एच बिफोर सी आफ्टर सेम पर्सन है। आगे द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिटवीन एफ एंड सी सेम एज बिटवीन द वन हु इज बोर्न इन दिल्ली एंड बी, मतलब एफ एंड सी के भी जितने हैं उतने ही कहां हैं, दिल्ली एंड बी के बीच हैं, तो यहां लिख लेते हैं एफ एंड सी के भी जितने हैं उतने ही दिल्ली एंड किसके बीच हैं, बी के बीच हैं, और पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। चलिए द वन हु इज बोर्न इन हैदराबाद इज बोर्न थ्री पर्सन बिफोर द वन हु इज बोर्न इन पुणे, पुणे से थ्री पर्सन पहले कौन है अपना, हैदराबाद, यहाँ लिख देते हैं हैदराबाद, ठीक है, इसके थ्री पर्सन भी हो तो बीच में दो ही पर्सन आएंगे, थ्री पर्सन भी हो तो मतलब बीच में दो ही पर्सन है, ठीक है। क्या कहता है, द वन हु इज बोर्न इन हैदराबाद इज बोर्न थ्री पर्सन बिफोर द वन हु इज बोर्न इन पुणे, मतलब पुणे बाद में हैदराबाद पहले है, तो थ्री पर्सन बिफोर मीन्स बीच में दो ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा पुणे, ठीक है। पी फॉर पर्सन एम फॉर मंथ, ठीक है, शॉर्ट में बी इज बोर्न इन पुणे, यहां पर है बी, पुणे में कौन है, बी। आगे क्या कहता है, द वन हु इज बोर्न इन बैंगलोर इज टू पर्सन बिफोर द वन हु इज बोर्न इन मुंबई, ठीक है, क्या बोल रहा है, बैंगलोर वाला टू पर्सन बिफोर है किससे, मुंबई से, टू पर्सन बिफोर मीन्स बीच में एक ही है, तो यहां पे लिखेंगे अपन बैंगलोर टू पर्सन बिफोर है मुंबई, क्लियर है, बैंगलोर टू पर्सन बिफोर है मुंबई, तो मतलब बीच में वन ही पर्सन है, यहाँ पर आएगा मुंबई, क्लियर, और यहाँ पे एरो बना दिया मतलब ये बाद में ही आएगा, ठीक। आगे
नाइदर एफ नॉर्सी बोनी जयपुर, एफ सी जयपुर में नहीं है, यहां लिख देते हैं एफ एंड सी जयपुर में नहीं है। ए इज बोर्न इन द मंथ हैविंग एन इवन नंबर ऑफ डेज, मतलब ए 30 डेज में है, ए 30 डेज में है। आगे कहता है द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर ए इज टू मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन आफ्टर डी, ए के पहले जो है द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर ए इज टू मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न आफ्टर डी, ए के पहले जो है दो ज्यादा है डी आफ्टर से, ठीक है। यहां लिख देते हैं ए बिफोर डी आफ्टर, ठीक है। और यहां पर प्लस टू, पर्सन की बात हो रही है, टू पर्सन, ठीक है, यहां लिख देता हूं टू पर्सन प्लस टू, ठीक है। समझ में आ रही बात, क्या बोला था, द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर ए इज टू मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न आफ्टर डी, ठीक है। जी इज नॉट बोर्न इन हैदराबाद, जी हैदराबाद में नहीं है, तो यहां पे लिख देते हैं कि जी हैदराबाद में नहीं है। आगे इज नॉट बोर्न आफ्टर सी, अगर ई सी के बाद नहीं है तो मतलब ई सी के पहले होगा, ठीक है। आगे है सी इज नॉट बोर्न इन मुंबई, सी मुंबई में नहीं है, तो यहां पर लिखे सी जो है वह मुंबई में नहीं है, क्लियर। चलिए अब यहां से आपका पूरा डेटा कलेक्ट हो चुका है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आइए सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास कि दिल्ली की जो भी इमीडिएटली आप करें उससे एक फोन करके एफ को रखना है, और एफ हमारा जनवरी में नहीं है, एफ हमारा अप्रैल में भी नहीं है, तो अगर एक तो मार्च हो सकता है और दूसरा जून में रखने की कोशिश करते हैं, तो अगर ऐसा रखा जाए, ठीक है, जून, क्योंकि ई और एस बड़े भी हैं दिल्ली से, तो यहां पर अगर हम रखते हैं कि जून में है हमारा एफ, एक पॉसिबिलिटी एफ की यहां आएगी और दूसरी पॉसिबिलिटी एफ की यहाँ आती है, ठीक है, एक एक करके करते हैं। तो अगर एफ ये है तो एक छोड़ करके दिल्ली रखना होगा, यहां पर रखेंगे हम दिल्ली, यहां एक छोड़ करके इसको रखेंगे हम दिल्ली, ठीक है, ठीक। और क्या था, और था, और कहां हो सकता है एफ, एक छोड़ करके दिल्ली रखना है। अगर मैं इसको एफ लेता हूं, ध्यान दीजिएगा, इसको लेते हैं, थोड़ा सा छोटा करेंगे इसको, चलिए अगर मैं इसको एफ लेता हूं तो देखे जरा एक छोड़ करके हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। और यहां से इसको ऐसे लाइन खींचते हैं ताकि अपने को डाउट ना आए, ओके, कंफ्यूजन का कोई ऑप्शन बचे ही ना, ठीक है। चलिए समझ में आया, तो इस तरीके से तीन पॉसिबिलिटी एफ की बन रही है। अब एफ और चेन्नई के बीच तीन पर्सन थे, वन टू थ्री, यहां पर चेन्नई आएगा, चेन्नई सितंबर में नहीं, ऐसा कुछ मना किया क्या, नहीं किया, तो यहाँ पे आ गया चेन्नई, ठीक। यहाँ पर देखो वन टू थ्री, यहाँ भी चेन्नई हो सकता है, वन टू थ्री, नीचे तो ऊपर तो जगह ही नहीं, ठीक है, एफ और चेन्नई के बीच थ्री पर्सन हो गए, इसमें नीचे जगह नहीं, तो वन टू थ्री यहाँ पर आएगा चेन्नई, ठीक है। अब कहता एफ एंड सी के बीच जितने उतने दिल्ली एंड बी के बीच, और अभी बी बैठा नहीं है, ई सी के ऊपर है, जी हैदराबाद, एच बिफोर सी आफ्टर दिया है, एच अभी बैठा नहीं है, ई और एच दिल्ली से पहले ही है, ई और एच अगर दिल्ली से पहले हैं तो यहीं पर आएंगे ई और एच, दिल्ली से पहले बोला उनने तो, ठीक। और एच जो है वो थर्टी में है, तो यहां पर आएगा एच, ठीक है, तो यहां पर आएगा ई, ठीक। इस वाले में बात करें ई और एच दिल्ली से पहले हैं, तो एच को 30 पे रखना है, तो जुलाई 31 का है ना, यहाँ सारे 31 के अप्रैल बचेगा, तो ये आएगा एच। अब बचा ई, तो ई यहाँ नहीं है, ठीक है, ई यहाँ हो सकता है और एक ई यहाँ हो सकता है,
ई एंड एच के बीच दो मंथ है, ऐसा बोला गया है कि ई एंड एच के बीच दो मंथ है और एच बाद में रहेगा ई के। अगर एच बाद में रहेगा दो मंथ, देखो जनवरी के बाद फरवरी मार्च और अप्रैल परफेक्ट है, ठीक है जरा, तो फिर यहीं पर आएगा ई क्योंकि एस तो यही कंफर्म है, ठीक है, समझ में आ रही बात। एस तो यही कंफर्म है क्योंकि ई एंड एच ग्रेटर देन दिल्ली था, एच को 30 पे रखना था, समझ में आ रही बातें, और दो मंथ रखना है ई एंड एच के बीच, जनवरी में ई रखेगा तो फरवरी मार्च छोड़कर अप्रैल हो जाएगा, परफेक्ट है। सेम कहानी यहां पर भी बात करते हैं, इसमें भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन सी लाइन अरेंज करनी, एफ एंड चेन्नई के बीच तीन तो हो गया, अब ई एंड एच दिल्ली से बड़े हैं जिसमें से एच को 30 पे रखना है, एच यहाँ हो सकता है, दूसरा एच हो सकता है यहाँ पर अप्रैल में, ठीक है, अगर एच यहाँ होगा तो ई तो यहीं आएगा, लेकिन अगर एच यहाँ है तो ई एंड एच के बीच दो मंथ है, सेप्टेम्बर है देखो जरा, तो जून जुलाई मतलब मई चाहिए फिर, है ना, जून जुलाई अगस्त है ना, समझिए ध्यान से, सितंबर के पहले क्या होता है अगस्त, अगस्त के पहले जुलाई, तो जून आएगा, क्या आएगा जून में रखना पड़ेगा, किसको किसको रखना पड़ेगा जून में, ई को, और ई को जून में मना किया, देखो जरा ध्यान से, ई को जून में मना किया है, अगर ई को यहां रखूंगा तो अभी जून के बाद क्या होता है जुलाई अगस्त और सितंबर, दो महीने का गैप रखना ना, जुलाई अगस्त और सितंबर, तो ई यहां रख नहीं सकता हूं, अगर ई यहां नहीं रख सकता हूं, ठीक है, तो एच यहां नहीं होगा फिर, तो फिर एच यही होगा, तो फिर ई यही होगा, क्लियर है, चलिए कंफर्म हो गया कि ई और एच यही रहेंगे इसमें भी। अब ई एच हो गया दिल्ली से बड़े, ई एच रख दिया हमने, तो एच बिफोर सी आफ्टर सेम पर्सन था, एच बिफोर दो है तो सी के बाद दो है तो सी यहाँ आएगा, इसमें एच बिफोर दो है तो सी यहाँ आएगा, इसमें एच बिफोर दो है तो सी यहाँ आएगा, ठीक है, ठीक, अभी तीन की तीनों पॉसिबिलिटी सही है। अब अगला है एफ बैठ गया सी, तो एफ एंड सी के बीच जितने लोग हैं उतने दिल्ली एंड बी के बीच हैं, तो एफ एंड सी के बीच कितने हैं, वन टू थ्री हैं, दिल्ली एंड बी के बीच थ्री चाहिए, तो वन टू थ्री यहां पर आएगा बी, इसमें एफ एंड सी के बीच वन ही है तो दिल्ली एंड बी के बीच वन होगा, तो ऊपर तो जगह ही नहीं, नीचे ही आएगा बी, इसमें एफ एंड सी के बीच कोई नहीं है तो दिल्ली एंड बी के बीच भी कोई नहीं होना चाहिए, तो बी आएगा यहाँ, क्लियर है। अब बी भी हो गया है, अगला था बेंगलोर और मुंबई के बीच वन पर्सन है, वो तो बाद में देखेंगे, अब ए बिफोर टू पर्सन मोर था किसके, डी आफ्टर के, क्लियर, ए बिफोर टू पर्सन मोर डी आफ्टर, तो देखो ए और डी को बैठाना है, और सी के ऊपर ई रखना था, सी के ऊपर ई रखना है, सी के ऊपर ई है, सब में सही है, ठीक है, सी को मुंबई नहीं देंगे, वो बात की बात है। अच्छा एफ और चेन्नई के बीच थ्री पर्सन है, अब एफ बैठ गया तो चेन्नई रख सकते हैं, वो तो बैठ रख ऑलरेडी रख दिया, ठीक है, आगे बात करते हैं। अच्छा एफ और चेन्नई के बीच थ्री पर्सन हो चुके हैं, ये हो गया है, अब एक लाइन क्या है अपनी, ए बिफोर दो पर्सन है और ए जो 30 डेज में, इस चीज को भी ध्यान में रखना है, यहाँ पर देखो जरा, एफ और सी जयपुर नहीं हो तो ठीक है, ए जो है वो 30 डेज में है, इस चीज को समझिएगा, मैं कलर चेंज करता हूँ आपके लिए, ए 30 में है, इसको समझ कर लेना है, दूसरा ए के पहले दो पर्सन ज्यादा डी आफ्टर से, तो अगर ए 30 में है तो ए हो सकता है जून में, दूसरा और दूसरा ऑप्शन ही नहीं अपने पास क्योंकि बाकी सी सितंबर में, सितंबर ही 30 है, बाकी सारे 31 डेज के हैं, ठीक है, तो ए को फिर रखना पड़ेगा जून में, तो देखो जरा ए बी फोर कितने टोटल है, तीन लोग हैं, तो डी के बाद एक ही रखना पड़ेगा, तो डी आएगा यहाँ, क्यों, क्योंकि ए के पहले दो ज्यादा उनने बोला है, ठीक है, इस वाले में बात करें तो ए को 30 में रखने के लिए ये ब्लॉक है, मार्च में 31 होते हैं, जुलाई में 31 होते हैं, अक्टूबर में 31, ये वाला गलत हो गया, यहाँ मार्च में 31 बाहर हो गया, यहाँ पर जून खाली है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए, यहाँ पर हम रख सकते हैं ए को, समझ के लीजिए, ए को हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है, तो ए बिफोर कितने हो गए हैं, तीन लोग, तो डी के बाद एक ही चाहिए, तो डी आएगा यहाँ, है ना, क्योंकि दो पर्सन ज्यादा था यहाँ पर, ध्यान रखना, तो तीन है तो डी के बाद एक है। अब बात करते हैं ए और डी बैठ गए हैं जब, तो बचा कौन है, जी, जी आ जाएगा अपना यहाँ, इस वाले में जी कहाँ आएगा, जी आएगा अपना यहाँ, पूरी बातें हो गई, ये पॉसिबिलिटी गलत है, बाकी दो सही है। अब यहाँ पर देखो
यहाँ पर एफ को मना किया था, एफ नहीं है, यहाँ ई को मना किया था वो भी नहीं, यहाँ एफ को मना किया था वो भी नहीं, यहाँ ई को मना किया था वो भी नहीं, सब सही है बातें। एफ और सी जो जयपुर नहीं जाएंगे वो ठीक है। अब हैदराबाद और पुणे के बीच, और पुणे में कौन है, बी है, बी कहाँ है, पुणे जा रहा है, तो अब बी फिक्स हो गया, तो यहाँ बी को पुणे रखते हैं। वैसे ही बी को पुणे बोला था तो चेन्नई वैसे ही गलत होने वाला था, और यहाँ पर बी को पुणे रख दिया, ठीक है। और जैसे ही बी को पुणे रखा तो एच और पुणे या बी के पहले दो पर्सन है, ठीक है, हैदराबाद का, सॉरी हैदराबाद और बी के बीच दो पर्सन है, तो बी है एक दो, यहाँ पे आएगा हैदराबाद, इसमें एक दो ये आएगा हैदराबाद, ठीक है। अब अगर हैदराबाद आ गया तो देखो जरा उसने कहा था क्या, कहा था हैदराबाद से कनेक्टिविटी वाली कौन सी लाइन थी, जी हैदराबाद नहीं है ऐसा उन्हें बोला था, तो यहाँ तो जी ही हैदराबाद आ रहा, मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी भी बाहर हो गई। अब बची ये जो सही ही होगी, ठीक है। अब बेंगलोर और मुंबई के बीच वन पर्सन है तो कहां पर रख सकते हैं, इस को भी समझना होगा। और क्या है, और कोई लाइन है क्या, ठीक है, हैदराबाद हो गया, पुणे हो गया, बस बस इतना ही है ना। सी जो है मुंबई से नहीं ऐसा बोला उनने, सी मुंबई से नहीं ऐसा बोला, ठीक है। तो अगर सी मुंबई से नहीं तो ये ब्लॉक हो गया है, और बेंगलोर और मुंबई के बीच एक है, मुंबई बाद में आएगा, समझिए इसको। तो फिर मुंबई अगर मैं इसको रखता हूं तो यहां पर आ जाएगा बेंगलोर, क्योंकि बेंगलोर और मुंबई के बीच एक पर्सन है और मुंबई बाद में ही आएगा, ठीक है। ऐसा हमने ये देखो लिखा हुआ है, दिख रहा है ये, यहाँ पर समझिए ये दिख रहा होगा, ये बेंगलोर और मुंबई के बीच वन पर्सन, मुंबई बाद में है ना। राइट साइड एरो मीन्स बाद, लेफ्ट साइड एरो मीन्स पहले, क्लियर। और उनने बोल रखा है कि जो सी है वो मुंबई में नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमने मुंबई को नहीं रखा, सी को मुंबई मना किया, ठीक। सी के ऊपर ई है वो तो सब सही है। अब देखो जरा ध्यान से, एफ और सी जयपुर में नहीं है तो एफ तो वैसे ही ब्लॉक हो गया, सी जयपुर नहीं है तो जयपुर हम रख देते हैं यहाँ। अब एक सिटी बचेगा जिसको हम यहाँ पुट कर देंगे, पढ़ो जरा कौन सा बच गया, कोलकाता, तो यहाँ पर आ जाएगा सी कोलकाता, क्लियर है। होपफुली सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, इसे आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छी पजल थी, बहुत प्यारी पजल थी। चलिए देखिए जरा, आप मिला सकते हैं, देखिए जरा, ई चेन्नई जी बेंगलोर, ई चेन्नई जी बेंगलोर, एच जयपुर ए मुंबई, एच जयपुर ए मुंबई, एफ हैदराबाद सी कोलकाता, एफ हैदराबाद सी कोलकाता, डी दिल्ली बी पुणे, ठीक है, परफेक्ट है, ठीक। कहता हूँ अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज बोर्न इन हैदराबाद, हैदराबाद में कौन है भाई, एफ और जुलाई, तो यहाँ एफ तो दिया नहीं, द वन हु इज बोर्न इन जुलाई, डी ऑप्शन, क्लियर। नेक्स्ट, फोर ऑफ दी फॉलोइंग, कई बार मैंने सिखाया जहां भी ऐसी वर्डिंग मिले समझ जाइए, क्या है, ऑड वन आउट है, हमें डिफरेंट बताना है। पहला ऑप्शन ई बेंगलोर, ई बेंगलोर जस्ट नीचे उसके, जी पुणे, जी पुणे, जी और पुणे, क्या है?